गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील प्राप्त करने का विधि में सीमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, सीमेंटेशन प्रोसेस के हम लोग कैसे स्टील को प्राप्त करते हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस विधि में क्या होता है ना कि इस विधि में हम लोग रॉट आयरन को लेते हैं। रॉट आयरन शुद्ध लोहा की बार बार मतलब हमारा यहाँ पे देखिए बार का मतलब हमारा छड़ भी कर सकते हैं, मतलब गोल सिलेंडिकल भी ले सकते हैं या फिर हमारा फ्लैट भी ले सकते हैं, तो उसको हम लोग फ्लैट बार कहते हैं। बार का मतलब हमारा टेक्निकल टर्म होता है यहाँ पे, और लोहा का जैसे हमारा फ्लैट लोहा ले रहे हैं आप, इस तरह का हमारा रेक्टेंगल है तो हमारा उसको बोलेंगे फ्लैट बार। राउंड है तो उसको हम लोग बोलेंगे राउंड बार। ठीक है, तो हमारा बार यहाँ पे लेते हैं छड़, इसका छड़ राउंड बार लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे रॉट आयरन का जो हमारा बार होगा, और उसको क्या कहते हैं हम लोग चारकोल, तो आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। चारकोल जो हमारा लकड़ी का भी हो सकता है, चारकोल जो हमारा जली हुई हल्का फुल्का जो उसमें रहता है ना, वो हमारा चारकोल होता है जिसमें हमारा कार्बन मतलब मेन रूप से हमारा उसमें लेना पड़ता है। तो चारकोल के साथ क्या करते हैं उसको मतलब कि हम भट्टी में उसको डालकर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दिया जाता है। और यह तापमान स्टील की क्वालिटी के अनुसार क्या होता है ना कि उसको हम 10 दिन 8 से 10 दिन तक उसको रखा जा सकता है, मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग रखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको स्प्रिंग स्टील बनाना हो तो हम उसको 6 से 7 दिन रखते हैं। तो इस तरह हमारा जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम उसको ये प्रोसेस में क्या करते हैं उसको हम उतना टेम्परेचर पे 6 से 7 8 मतलब 10 दिन तक उसको हम रख सकते हैं। वो टाइमिंग जो होगा हमारा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको कौन सा स्टील बनाना है कौन सा, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग रखते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि चारकोल की जिसमें क्या होता है कि इस प्रकार जो रहता है तो चारकोल की क्या होगी कार्बन जो हमारा रॉट आयरन की बार पर क्या होती है जम जाती है, और फिर क्या होता है रॉट आयरन की बार को ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ रॉट आयरन की बार को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रॉट आयरन की बार को हम लोग यहाँ पे ठंडा कर दिया जाता है, और इससे जो हमारा स्टील बनती है मतलब उससे हम लोग निकाल लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे रॉट आयरन की बार को ठंडा कर देंगे, उससे जो हमारा स्टील बनती है उससे हम लोग बोलते हैं बलिस्टर स्टील बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बलिस्टर स्टील कहा जाता है इसको, हम लोग बलिस्टर स्टील कहा जाता है। और ठीक है, फिर बलिस्टर स्टील को टुकड़ों में क्या करते हैं काट कर, ठीक है, उस टुकड़ों में उसको हम लोग काट लगाते हैं, काट कर उसमें क्या करते हैं बोरेक्स जरूर जान ही रहे जो हमारा सोडियम का ये होता है एस कुटा बोरेक्स, फिर बोरेक्स रेड के साथ क्या करता है उसको फिर हम लोग दोबारा गर्म किया जाता है बलिस्टर स्टील को। और फिर उसको देखिए जब काटेंगे तो उसमें क्या करें उसको हम लोग आपस में वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हमें क्या होती है काट के उसमें बोरेक्स डाले उसको वेल्डिंग कर दिए और फिर उसके साथ हम लोग गर्म किए, तो उसके साथ दोबारा हम इसको गर्म करेंगे तो इस प्रकार जो हमें स्टील प्राप्त होगा बलिस्टर स्टील को कट लगाने के बाद उसमें बोरेक्स रेड के साथ डालकर उसको वेल्डिंग कर हीट करने के बाद जो हमारा इस प्रकार जो हमारा स्टील बनती है उसे हम लोग सीयर स्टील कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सीयर स्टील कहा जाता है। फिर यदि सीयर स्टील को भी अगर हम लोग फिर दोबारा गर्म किया जाए, ठीक है, सीयर स्टील को भी अगर हम दोबारा गर्म किया जाए और इससे जो हमें स्टील बनेगी उसे हम लोग बोलेंगे डबल सीयर स्टील कहा जाता है। ये एक अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है जिसका प्रयोग कटिंग टूल्स बनाने में करते हैं हम लोग, उपकरण बनाने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इस विधि से हम लोग मेन रूप से ये समझे कि हमारा जो यहाँ पे था सीमेंटेशन प्रोसेस हम लोग ये समझे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए यहाँ पे हमारा रॉट आयरन का वो बार लिए उसको कार्बन के साथ गर्म किए गया टेम्परेचर पे। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि उसको हम लोग जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरह का लिए जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने ये रड लिया रॉट आयरन का, मान लीजिए ये रॉट आयरन का रड था इस तरह का, आपने रॉट मान लीजिए इस तरह का हमने कुछ रॉट लिए रॉट आयरन का, ठीक है, रॉट आयरन का हम लोग यहाँ पे क्या लिए हम लोग रॉट आयरन का मान लीजिए कि रॉट आयरन का आपने ये लिया, ठीक है, रॉट आयरन शुद्ध लोहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रॉट आयरन का आपने क्या किया बार लिया छड़ लिया, इसके साथ क्या किया इसमें चारकोल मिलाया चारकोल। अब देखिए इसको क्या करेंगे इसको हम लोग एक तरह का हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है स्टील का, ठीक है, स्टील का हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है, इसमें क्या करते हैं ना इस रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे लिया वो क्या करेंगे हम लोग इस रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर में हमारा मान लीजिए हमने रॉट आयरन को यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए हमारा यहाँ पे रॉट आयरन को रखा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग रखने के बाद क्या होगा जो हमारा ये चारकोल है मान लीजिए इसके अंदर हम लोग चारकोल यहाँ पे इसको डाल दिए चारों साइड से, और फिर क्या करते हैं इसको हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग पैक कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग फिर पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको भट्टी में डालते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को उठा के हम लोग फिर भट्टी में डाल देते हैं और भट्टी में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग हीट जनरेट करते हैं, तो इसका जो यहाँ पे टेम्परेचर इस भट्टी का जो टेम्परेचर होगा वो हमारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और उस भट्टी हीट से क्या होगा कि ये हमारा बॉक्स ये हमारा हीट होगा और उसके अंदर में क्या होगी इसके अंदर में जो हमारा कार्बन था ना ये कार्बन हमारा क्या होगी इस पर जम जाएगा इसके इसके बॉडी पे
इसके बॉडी पे क्या होगी, हमारा कार्बन जम जाएगा। और ये इस प्रकार जो इसको जब हम निकालेंगे, इसको हम लोग 8 से 10 दिन तक रखते हैं स्टील के क्वालिटी के हिसाब से, जैसा हमको स्टील प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितने समय के बाद इसको निकालेंगे तो उससे जो हमारा स्टील प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लोग ब्लिस्टर स्टील। फिर क्या करते हैं, ब्लिस्टर स्टील पर उसको हैमरिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर उसमें कट लगाते हैं, उसमें बोरेक्स रेड करके वेल्डिंग करके फिर उसको हम लोग भट्टी में फिर दोबारा गर्म करते हैं। और दोबारा गर्म करने के बाद जो हमें स्टील प्राप्त होता है वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा सीयर स्टील। अभी आपको पता है वो हमारा क्या होता है, सीयर स्टील, वो हमारा होगा सीयर स्टील। फिर सीयर स्टील को क्या करेंगे, सीयर स्टील को फिर दोबारा गर्म करेंगे तो इससे जो हमारा स्टील प्राप्त होगा वो हमारा स्टील प्राप्त होगा डबल सीयर स्टील, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डबल सीयर स्टील। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की स्टील बनती है, जिससे हम लोग इंस्ट्रूमेंट उपकरण बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, सीमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसको हम लोग सीमेंटेटेड आयरन सीमेंटेटेड स्टील भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सीमेंटेशन प्रोसेस काम करता है, इस प्रकार हमारा ब्लिस्टर स्टील बनता है, सीयर स्टील बनता है और डबल सीयर स्टील बनता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका सेशन हमारा पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।